हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री श्याम बुटीक में। यहाँ पे आपको फुल सिलाई यानी सिंपल से सिंपल से लेके और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, फैंसी ड्रेस, पैंट शूट, जो भी ड्रेसेस है लेडीज़ वियर, वो सारी की सारी सिलाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आज मैं बताने जा रही हूँ पटियाला सलवार की सिलाई कैसे की जाती है। तो ये सबसे पहले मैंने पाइचा तैयार करूँगी, तो पाइचे के लिए मैंने लिए स्पंज लिए हैं और इसको मैं इस कपड़े पर अटैच कर देती हूँ। इसको हमने ऐसे रख के और इसको अटैच कर लिया है। एक स्लाइस इसको अटैच कर लेंगे, उसके बाद इसको जैसे सलवार में एक पल्ला बीच में होता है और साइड में दो कलियाँ होती है, तो इस पाइचे को बीच वाले पल्ले पे अपन जोड़ लेते हैं। तो ये बीच का एक पल्लू है, इस पे हम इसको अटैच कर लेंगे पाइचा तैयार करने के लिए। बराबर करके और कपड़े को दोनों को बराबर अपन रखेंगे, बराबर दोनों पे हाथ रखेंगे, किसी को ना खींचेंगे ना किसी को ढीला छोड़ेंगे। ऐसे करते हो बिल्कुल हम नरम हाथों से सीधी साइड में हम इस पाइच पे, अब ये प्रिंटेड है इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बिल्कुल हम सिंपल से डिज़ाइन इसके ऊपर निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े में डिज़ाइन है इसमें। दो सिलाई नीचे लगाएंगे और दो ही ऊपर की तरफ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है पाइचे का स्पंज, इसको हम यहाँ से काट देंगे। वैसे ही दो सिलाई अपन ऊपर लगा लेंगे। देखेंगे कि सिलाई बिल्कुल स्पंज के ऊपर आ रही है। एक एक बूट की सिलाई हमने ऊपर नीचे लगा ली है। अब ये जो दो सिलाई लगाई है, इन दोनों के बीच में हम बनाएंगे लेरिया। एक सिलाई लगाएंगे इसके बीच में लेरिया घुमाते हुए।
बीच में ये जो गैप बना हुआ है इसमें भी अब लेरिया बनाएंगे थोड़ा बड़ी साइज में, दोनों क्रॉस लेरी होंगे ताकि ये जो है सलवार की पाइचे बिल्कुल इससे स्टिक रहे। और एक लेरिया बनाएंगे इसके अपोजिट साइड में, जैसे ये इस तरह बनाए इसको अपन ऐसे बनाएंगे। दोनों लेरी अपोजिट हो गए हैं, अब इनके बीच में जो गैप बचा है उसमें हम बिल्कुल बारीक बारीक वाला लेरिया निकालते हैं। ताकि यहाँ से भी स्टिक बना रहे। अब ये हमारा बीच का पल्लू जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये जो दोनों साइड में दो कलियाँ हैं इन कलियों को हम साइड में लगाते हैं। एक ये तैयार हो गए और दूसरा ये। अब इन दोनों को बीच में रखते हुए साइड में दोनों पल्ले वो जोड़ लेंगे अपन। अब ये जो बड़ी हैं इसलिए, क्योंकि पटियाला सलवार अपन बना रहे हैं, पटियाला सलवार में अच्छा घेर दिखे इसके लिए हमें ये पल्लू जो है वो बड़े बड़े हमने काटे हैं इसके लिए। सिलाई करते वक्त दोनों कपड़ों को अपन बराबर इशारे से पकड़ेंगे ताकि कोई सा ना तो लूज रहे और ना ही टाइट हो। दूसरी कड़ी को हम इस साइड में लगाते हैं। जिस तरह हमने ये एक साइड का पल्लू तैयार किया है इसी प्रकार अब दूसरे साइड के पल्लू की भी ये दोनों साइड की कलियां जो है वो इस पे जोड़ लेंगे। अभी ये 6 पीस हैं, इनके हमने दो जगह दो पीस कर लिए हैं।
अभी दोनों पैंचे हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए। अब क्या करेंगे, बेल्ट ऊपर बेल्ट लगाने के लिए हम इन दोनों को एक जगह करते हैं। इसका ये लिए है और दूसरी साइड का ये जो कि उरेब का है, इसलिए उरेब को होने से ये घेर जो है इसका बहुत अच्छा सा दिखेगा और पहनने में बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे। इस तरह की फुल पटियाला सलवार बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 मीटर कपड़ा हम ले सकते हैं, ताकि बहुत ही ये जब पहनते हैं फिलर्स वगैरह इसकी पटियाला सलवटें बहुत ही अच्छे से सेट होंगी। अब बेल्ट के अलावा जितनी भी तैयारी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं बात करती हूँ ऊपर बेल्ट की। मेन इसमें पटियाला में मेन जो होता है वो होता है बेल्ट का रोल, क्योंकि बेल्ट को अपन किस तरह से लगाएंगे कि ये फुल सलवटें जो है वो बिल्कुल इस तरह दिखे कि ये पहने तो बिल्कुल लहर सी ये दिखाई दे। अब मैं इस पर बेल्ट लगा रही हूँ। ये थोड़ा साइज में छोटा है इसलिए हमने इसके ऊपर कपड़ा जोड़ा है। ऊपर से 2 इंच छोड़ के बाकी यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारा बना है इसको मोड़ के नाड़े के लिए रख लेंगे ऊपर, ऊपर से खुला नाड़ा डालने के लिए। अब इसको गोल करते हुए यहाँ नाड़े के लिए गैप बना लेंगे ऊपर से, यानी ऊपर से इसको मोड़ देंगे। 2 इंच हमने छोड़ा था, 1 इंच मुड़ाई ऊपर आ जाएगी। ये 1 इंच का है और इसमें नाड़ा अपन आराम से डाल सकते हैं। ये जो धागे आ रहे हैं बीच में तो हम सुई की सहायता से अंदर डाल देंगे। ऊपर से ये मोड़ते वक्त ध्यान रखें कि दोनों कपड़ों को हम बराबर हाथ से पकड़ें। ये यहाँ पे जो नाड़े के लिए होल रखा है यहाँ पे लाके हम इसको पक्का कर देंगे। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया, आप देख पा रहे हैं।
अब इसको क्या करेंगे, इसके चार भाग करेंगे और निशान लगा लेंगे इस तरह। पहले डबल मोड किया है इसको, और अब इसको चौकोर मोड़ के, यानी इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमने कट लगाए हैं, एक सामने के लिए, एक बैक के लिए, दोनों साइड के लिए। अब ये बेल्ट तैयार हो गया। अब इसको इस पे अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बैक साइड में जो जॉइंट है बैक साइड में, यानी हिप की तरफ है, ये अपन चार इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ पे कट मार देंगे। अब ये कट के ऊपर अपन प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स इस तरह डालेंगे कि इनका मुंह इस साइड हो और इनका मुंह इस साइड हो, ताकि जब हम पहन के बैठेंगे तो ये नीचे से टाइट फील नहीं होगा। ये देखिए, मेन चीज़ पटियाला सलवार में समझने की है कि बेल्ट को इसको किस तरह लगाए कि ये सुंदर पे लगे और कंफर्ट भी हमें फील हो। अब बात करते हैं, ये जो प्लेट्स मैंने डाली है, ये है बैक का हिस्सा। अब इसमें हमने लिए है एक साइड फ्रंट, ये सामने है, नाड़े का हिस्सा जो है वो सामने का है, और ये है बैक साइड। तो बैक साइड का जो निशान है, इसको इस निशान से मिलाते हुए जहाँ तक ये बीच का सेंटर का जो कट है, यहाँ तक हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इस पे कट लगा लिए। यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो बीच में कपड़ा जितना भी बड़ा है, यानी ये जो प्लेट्स है हमारी, ये है सेंटर का निशान और ये सामने का, ये बैक का। तो प्लेट्स जो है यहाँ तक यानी इस सेंटर के निशान से 3 इंच तक, हम 3 या 3.5 इंच तक प्लेट्स जो है वो पीछे ले सकते हैं, ताकि वो जो घेर बैठे तो घेर जो है चारों तरफ बराबर दिखे। अब इसको साइड में रखते हैं, और ये जो प्लेट अब डालनी है उसको अपन डालते हैं अंदाज 1-1 इंच पे, बराबर 1 इंच का ये गैप है, तो इतना ही हमें अंदर की तरफ डालना है कपड़ा। और इस तरह हम करेंगे तो ये जो नाप है हमारा बेल्ट के बिल्कुल बराबर आएगा। आप देख पा रहे हैं ये करीब करीब 1 इंच का ही है। ये देखिए, एक इंच या इससे एक कम। ऐसा करते हैं हम इस पूरे को प्लेट बना लेंगे। अब जिस तरह बैक में डाली थी, इन प्लेटों का मुंह इधर होना चाहिए और इस इधर वाली का इधर होना चाहिए, ताकि ये जो पहनेंगे तो प्लेट्स जो है ऐसे सामने आती हुई दिखाई दे। ये हमारा सेंटर है, सामने का पार्ट है। अब
बात करते हैं कि इस साइड की प्लेट सारी हमने इधर की तरफ घुमाते हुए डाली है और इस साइड की प्लेटों को उधर की तरफ घुमाते हुए डालेंगे। वही साइज है, 1-1 इंच पे इधर भी हमें प्लेट डालनी है बराबर, यानी ये कपड़ा जो है वो 3 गुना हो गई, 1, 2, 3, 3 23 की होगी। इसको हम ऐसे घुमाते हुए पूरे में प्लेट डाल लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं बैक साइड में। ये हमारा निशान है, ये निशान है और इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ तक हम प्लेट की बना लेंगे। अब ये जो सलवार का घेरा है और बेल्ट का घेरा, इसको अपन नापेंगे। ये हमारी प्लेट्स तैयार होगी। अब इस घेरे को और उस बेल्ट के, इस बेल्ट के घेरे को अब नाप के देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो सेंटर हमने छोड़ा था सामने का, सामने और इस सेंटर को और बेल्ट वाले सेंटर से हम मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये है बेल्ट का सेंटर, जोड़ की चराई करते हुए हम ये सीधा ये बेल्ट को इससे अटैच कर लेंगे। ये सेंटर बिल्कुल सेंटर पे, दोनों के जॉइंट जो है वो बराबर मैच मिलते हुए हम इसके ऊपर टांका लगा लेंगे। अब ये बैक साइड का कट है और ये अपन देखेंगे करीब करीब बराबर ये है। अगर बड़ा होता थोड़ा सा, अगर सलवार बड़ी होती तो हम एक प्लेट यहाँ पे और डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल निशान, ये बैक साइड है और ये बेल्ट का बैक है। इस प्रकार इसको पूरा गोल कर लेंगे। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर, इस जोड़ के ऊपर, जोड़ को ऊपर की तरफ रखते हुए एक सिलाई, एक बूट की सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे ताकि ये जोड़ जो है वो बिल्कुल इसके अटैच रहे।
अब ऊपर का पोर्शन सलवार का बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बेल्ट हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है इस पे। अब लास्ट में एक ऊपर से पूरा तैयार करने के बाद, बेल्ट वेल्ट सब रेडी करने के बाद, अब ये नीचे जो पाइचे है उसमें हम उस पर एक सीधा टांका लगाते हैं। अब इस पाइचे का नाप है 12 इंच। यहाँ पहले हम इसको पक्का कर देंगे और इसी तरह तिरछी हम एक इंच दबाई लेते हुए इसको, और ये सीधा टांका लगा लेंगे। इस कपड़े को यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि दोनों कपड़े जो है वो रेप है, तो कोई भी एक कपड़ा खींचे नहीं। बिल्कुल आराम आराम से लगाना है, ध्यान से लगाना है बिल्कुल, क्योंकि सारी सलवार की फिनिशिंग जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर थोड़ा सा भी ये ऊपर नीचे होगा तो ना पहनने में कम्फर्ट होगा, ना ही दिखने में कम्फर्ट होगा, अच्छा दिखेगा। और इसमें जगह जगह कुछ कट लगे हुए हैं, तो उन कट्स को, उन निशान को मिलाते हुए हमें ये टाका लगाने हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने इससे मिला लिए। इस सलवार को बनाने के लिए हमने 5 मीटर कपड़ा लिया है, लेकिन 4 मीटर में भी बन सकती है। अब ये जो पाइचा है, सेकंड पाइचा है, इसको भी हम 6 इंच दबाई देते हुए इसको लास्ट तक मिला लेंगे। छः इंच का रखेंगे, बाकी 1 इंच की हम इसमें दबाई लगा लेंगे। ये हो गया 6 इंच और ये यहाँ पर हमारा हो गया 7 इंच। अब ये क्योंकि उरेब है इस साइड में, तो इसको एक बार हल्के हाथ से अपन खींच लेते हैं, क्योंकि जो भी टूटना होगा, सिलाई टूटनी होगी, वो अभी टूट जाए। अब इसके बाद हम एक और सिलाई लगा लेंगे इसको, ताकि ये आगे दिक्कत नहीं करे। Yeah.
थैंक यू फ्रेंड्स, ये है पटियाला सलवार की फुल सिलाई। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नए नए हमारे वीडियोस हैं, नोटिफिकेशन है, वो आपको देखने को मिले। थैंक यू।